उसके बाद मैं पहले राज साहब से बात करूंगा, फिर सब नेता उनसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दे सकता हूं। पर पहले तो मैंने जो ठहराव में जो मुद्दे मैंने बोले हैं तो उस पर पहले मेन काम करना ज़रूरी है, तो उस पर काम जारी रहेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा। लेकिन जिसका झंडे का रंग बदला क्या है, क्या आप मन से झंडे का रंग हिंदुत्व के ओर बढ़ रही है? इसका उत्तर मैं देने के आप राज साहब से पूछो। अमित साहब आप मतलब अमित साहब आप एमएनएस के नेता आज घोषित हुए हैं, क्या आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व की राह पर एमएनएस चले, क्योंकि आज जिस तरह से हो रहा है? जैसे मैंने कहा इन मुद्दों पे मैं चर्चा करके आपको बताऊंगा। आपने शिक्षा को लेकर कुछ मन से कहा कि वो रेजोल्यूशन आपने पास करवाया, क्या हालात है और क्या कुछ करने की जरूरत है महाराष्ट्र में? बहुत सारा आपने अभी अभिजीत पांसे जी का भाषण सुना होगा, मुझे लगता है नहीं सुना क्योंकि आप मेरे बाइट के लिए बहुत उत्सुक थे। तो वो सब चीज़ें मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और जो मुद्दे मैंने जैसे मैंने कहा कि जो मुद्दे मैंने क्या कहते हैं आप उसको जो रखे आपके सामने उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दे मुझे लगता है 10-15 साल से चल रहे हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर नामुमकिन नहीं है, तो हम ज़रूर करेंगे।